नमो नमः संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं के जननी है संस्कृत भाषा ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारे समस्त वेद पुराण शास्त्र संस्कृत भाषा से ही हैं संस्कृत वेदा पुराणा च संस्कृत संति गीता महाभारतम और हमारी संस्कृति ने परोपकार का क्या सुंदर संदेश दिया है हमें संस्कृत के सुभाषित बताते हैं परोपकाराय फलंती वृक्षा परोपकाराय बहंती नद्या परोपकाराय दुहंती गाव परोपकारार्थ मिदम शरीरम ऐसी ही परोपकार के महत्व को समझाती एक संस्कृत की भाषा में सुंदर सी छोटी सी कहानी को आइए हम सभी लोग अपने जीवन में उतारें एकदा कशन आश्रम तर इति महर्षि पाठयस्यामी बहु शिष्या तस्य समीपे पठनार्थ आगच्छन्ति स्म एकदा महती वृष्टि आसीत् क्षेत्रं सर्वं अपि जलपूर्णमासीत् जलप्रवाहः आसीत् दव्य शिष्य आहुयति बदति अपि शिष्य कृषि क्षेत्रं सर्वं जलपूर्णमस्ति सर्वत्र प्रवाहः अस्ति अत्र अतः कुत्रापि जलवन्धनं नष्टस्य मवान कृषि क्षेत्रं गत्वा तस्य निवारयतु इतिपरति शिष्य कृषि क्षेत्रम गच्छति सर्वत्र पश्यति एकत्र जलबंधः नष्टः अस्ति शिष्य चिंतयति यत्र जलबंधः नष्टः अस्ति तत्र मृतिकाम स्थापयिति किंतु जल प्रवाहः अधिकः अस्ति इति कारणतः ततः न तस्तति बहु जलम तत्र गच्छति अतः शिष्य चिंतयति किं करोमि किं करोमि अहं एवं करोमि इति चिन्तयति तत्र तत शिष्यः स्वशरीरमेव तत्र स्थापयति सो शरीरः स्थापयति जलबन्धं सम्यक् करोति एवम् जलबन्धं सम्यक् कर्तुं स्वशरीरं स्थापयत्वा तत्र जलबन्धस्य समीकरणं करोति किञ्चित समयं अनन्तरं शिष्यः न आगत गुरु चिन्तयति शिष्यः कुत्रगत न आगत इति चिन्तयित्वा कृषिक्षेत्रं कच्छति तत्र पश्यति शिष्य जलवंदे स्वशरीरे स्थापयत्वा शैनम् कर्तवान् अस्ति गुरो तम्पश्चत् गुरोहो शिष्यम् दर्शत्वा अतीव आनंदं भवति सा अतीव संतुष्टः तस्मेय ज्ञानं तदाति संतोषे तम् आलिंगति च एवं एव एव शरीरं इन्ह जलवंदम् समीक्रत्यर्गुरोहो बचनम् बचनस्यः परिपालनं कृतवान कर्तव्यं सम्यक् कृत्ये समापयितवान स एव शिष्यः अस्ति आरुणी इति तस्य उद्दालक इति अपर नामधेयम् इति अस्ति अह शिष्य कर्तव्य परतः अह कथायाम् अर्थ ज्ञातवन्त कलय इति महती प्रेरणादायक कथा परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई संस्कृत भाषा बहुत ही महत्व की भाषा है आप सभी अपने अपने बच्चों को अपने स्वजनों को अवश्य संस्कृत भाषा से जोड़ें और अपनी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करें नमो नमः